इंदौर की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने शुक्रवार रात बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए छोटा सराफा के चार सोना चांदी के कारोबारियों को उनके घर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से एसटीएफ ने 3 किलो 75 ग्राम सोना जिसकी कीमत 1,55,00,000 रुपए है और 1 करोड़ की नकदी राशि बरामद की है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपित विदेश से सोने के बिस्किट मंगवाकर मिलावटी बिस्किट तैयार करते हैं। फिलहाल एसटीएफ सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर के छोटा सराफा के आरबी ज्वेलर्स के संचालक रवि जैन ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर सोना तस्करी की है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने एरोड्रम रोड पर महावीर एवेन्यू स्थित उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से रवि जैन, योगेंद्र जैन, दलाल अरविंद नीमा और धीरज जैन को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने इनके कब्जे से 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ से अधिक की नगद राशि बरामद की है। सोने की कीमत करीब 1,55,00,000 रुपए बताई जा रही है। सर, दो चार सराफा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 1 करोड़ रुपया और सोना बरामद किया, क्या है पूरा मामला? एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है कि जो गोल्ड स्मगलिंग के गैंग की एक सूचना थी, आरक्षक ओमवीर को प्राप्त हुई थी और उस सूचना पर टीम लगाई गई थी। तो इस सूचना को तस्दीक किए जाने के उपरांत टीम ने जो एरोड्रम रोड पे 38 महावीर कृपा अपार्टमेंट में दबिश दी और वहाँ दबिश में एक कमरे के अंदर ये चार जो संदिग्ध हैं, रवि, योगेंद्र, दिनेश और अरविंद को हिरासत में लिया और इनके पास से करीब 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। उक्त वैधानिक कार्रवाई उपरांत जब्ती उपरांत इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी इस प्रकरण में डीआरआई से हुए संवाद में उक्त सोने में जो विदेशी स्मगल्ड गोल्ड होने की और टेम्पर्ड गोल्ड होने की ये पुष्टि हुई है, तो प्रकरण अग्रिम अनुसंधान के लिए डीआरआई को भेजा जा रहा है। ये अभी इनसे आरोपियों से अभी तक पूछताछ की गई है लगातार और अभी डीआरआई भी पूछताछ करेगी और ये इसका पूरा सोर्स निकाला जाएगा। अभी जो जो इसमें बुलियन बिस्किट मिले हैं उनमें कुछ संभवतः दुबई या ऐसे बैंक का सील वगैरह भी मिली है और अभी वैल्यूअर इसको पूरी तरह से एसेस करके अपनी रिपोर्ट देंगे और डीआरआई द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये टेम्परिंग वगैरह भी करते ये जो अभी रिपोर्ट अभी प्रारंभिक जो जानकारी डीआरआई से मिली है उसमें ये है कि इसमें टेम्परिंग इत्यादि भी है, तो उसकी सबकी पुष्टि की जाएगी और इनसे पृथक पृथक आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, पूछताछ में कुछ बताया हो आरोपियों के द्वारा, क्योंकि काफी सालों से सराफा कारोबार से जुड़े हुए थे ये लोग? ये अभी अभी ये अभी रक्षा में है, इनसे पूछताछ हो रही है अभी और जो इस एंगल पे कि ये कहाँ कहाँ से लाते थे, अभी इन्होंने जो भी अपने इनके कागजात हैं, इनके जो लेजर फोल्डर हैं, जो बिक्री और खरीदी के जो इनके दस्तावेज हैं, उन सबके लिए भी इनसे नोटिस दिया गया है, जिसके ऊपर विधिवत परीक्षण कर और इनसे पूछताछ कर और इनके तकनीकी आधार पर भी विवेचना कर इस तत्व को उजागर किया जाएगा। सर, नगद रुपयों के बारे में कुछ बताया, इतनी कागज? ये अभी इनसे पूछा गया तो अभी ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये तो हमारे सेल के रुपए हैं, किंतु जो निश्चित तौर पे ये 1 करोड़ की राशि नगद ये नहीं रख सकते। इस संबंध में आयकर विभाग को भी पत्राचार किया गया है। सर, मध्य प्रदेश के और भी कुछ कार्रवाइयों के नाम आए, क्योंकि काफी बड़ा एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभी ये विवेचना जारी है, इसमें जो भी लोग इस तरह के गोल्ड स्मगलिंग के जो अवैध कार्य है, ये जो आर्थिक जो बड़ा इनका गैंग कार्रवाई है, उस पर जो भी लोग शामिल होंगे उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, टोटल कितने का गोल्ड मिला के और नगद मिला? ये गोल्ड करीब 3 किलो 75 ग्राम है, जो करीब 1,55,00,000 रुपए का अनुमानित मूल्य है और नगद 1 करोड़ का है, तो इस प्रकार से 2,55,00,000 रुपए की ये जब्ती अभी अनुमानित है। वही एसटीएफ ने आयकर और जीएसटी विभाग को भी
सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तस्करी का सोना अहमदाबाद होते हुए उनके पास इंदौर पहुंचता था। इसके बाद ये लोग उसे नकली बिल बनाते थे और सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के संपर्क कई राज्यों के सोना तस्करों व कारोबारियों से भी हैं। जब्त सोने के कई बिस्किट पर दुबई की सील लगी मिली है। वहीं अब एसटीएफ आरोपियों की कॉल डिटेल, उनके कनेक्शन किन किन लोगों से हैं और बैंक खातों की जानकारी निकाल रहा है। वहीं आरोपी रवि जैन ने पूछताछ बताया है कि वो 100% शुद्धता वाले सोने के बिस्किट मंगवा कर गला देता था, फिर मिलावट कर नए बिस्किट तैयार करता था। इस प्रकार उसे टैक्स और मिलावट का मुनाफा होता था। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।